Sri Krishna, Sri Krishna, Sri Krishna, Sri Krishna. Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo Maheshwaraha, Guru Sakshat Param Brahma, Tasmai Shri Gurave Namaha, Tasmai Shri Gurave Namaha. Vedanta ki साधना का तात्पर्य है, हमको अपने अनुभूतियों से सीखना है और वो जो सीख है वो अपने जीवन में उतारनी है। इन दोनों को कहते हैं वेदांत की आध्यात्मिक साधना। जैसे किसी भी विषय का ज्ञान लेने के लिए हम किसी पुस्तक में, ग्रंथ में पढ़ते हैं, तो वेदांत का ज्ञान लेने के लिए कौन सा ग्रंथ है, तो अपने अनुभूति के संग्रह का जो ग्रंथ है उसी से हमको सब कुछ सीखना है। जो व्यक्ति अपने अनुभवों से नहीं सीखता उसको अनुभव आनंद क्या सिखाएगा? सीखना तो अपने अनुभूतियों से है। और वो सीखने की प्रक्रिया समझाने के लिए हमको बेसिक डाटा दे रहे हैं। जैसे सुख दुख पदार्थ दो प्रिय विप्रिय कारक सुखम ब्रह्म जगत दुखम इति वेदांत डिंडिमः। जीवन में दुख आते हैं उसका कारण हम किसी और को बता सकते हैं। देखो जैसे गलती करना इज ह्यूमन, टू एर इज ह्यूमन, एंड टू ब्लेम अदर्स फॉर अवर मिजरी इज मोर ह्यूमन। देखो हम लोग अपने जीवन के दुख को लेकर के अन्य को बदनाम करते हैं। तो यहां एक सिद्धांत समझ लेना, जगत दुखम, दुनिया दुख है, माने क्या? जीवन में दुख आना एक बात है और दुख के साथ तादाद में होकर के दुखी होना दूसरी बात है। देखो संतो, जैसे किसी दूसरे देश में चले जाओ तो वहां इमिग्रेशन में आपको एक फॉर्म देते हैं और उसमें भरना होता है कि प्रश्न पूछते हैं, उनके उत्तर थेसिस ने लिखना, यस या नो में उत्तर देना है। तो जैसे क्या आप किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के एक्टिव सभासद है, यस नो। क्या आप पर कोई इंजाम है खून का, यस नो। इस प्रकार से जब हम इस दुनिया में आ रहे थे तो भगवान ने हम सबको एक फॉर्म दिया था, उस पर लिखा था, जैसे लिखते हैं ना वेलकम टू न्यूजीलैंड, उसी प्रकार से भगवान ने फॉर्म दिया था, अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य, आप जिसमें प्रवेश कर रहे हो यह दुख का सागर है, रामानंद सागर नहीं है, दुख का सागर है, और ये दुख के सागर में प्रवेश करना आपके लिए आवश्यक है, चॉइस नहीं है। उसके बाद प्रश्न लिखा है, क्या आप दुखी होना चाहते हो, ऑप्शन दिए है हां ना। कितनी सरल बात है, जो भी व्यक्ति दुखी होता है अपने चॉइस से दुखी होता है। इफ यू रिफ्यूज टू बी मिजरेबल गॉड विल फेल टू मेक यू मिजरेबल, एंड इफ यू कोऑपरेट विद द मिजरी इवन ए मॉस्किटो कैन मेक यू मिजरेबल। सी फ्रेंड्स, इसीलिए जब यहां बताते हैं सुखम ब्रह्म जगत दुखम, तो यदि हमको परमात्मा की उपलब्धि करनी है तो करना क्या है? सिंपल बात है, मौज में रहो। देखो एक बार बंबई की बात है, प्रेमपुरी आश्रम की, बहुत पुरानी बात है, उनका कोई स्पेशल फंक्शन था। उन्होंने कहा कि स्वामी जी आप इस स्पेशल फंक्शन के लिए आइए, लेक्चर दीजिए। और जब मैं वहां गया तो जिन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया, अब स्वामी जी का क्या इंट्रोडक्शन करना है सबको पता है, लेकिन इस समय में स्वामी जी को विशेष एक बात करना चाहता हूं कि स्वामी जी आप ये मौज में रहो बहुत सुनाया और कुछ और सुनाइए। उसके बाद उस दिन मैंने ऐसा भयानक लेक्चर दिया, सबके सब दुखी हो गए, बीच में एक आदमी खड़ा हो गया, स्वामी जी अपने मोड़ पर चले जाओ। देखो संतो, आध्यात्मिक साधना का अर्थ परेशान होना नहीं,
आध्यात्मिक साधना का अर्थ इच्छाओं की पूर्ति नहीं, आध्यात्मिक साधना का अर्थ हमको कुछ प्राप्त करना नहीं। देखो मैं शंकर महाराज की मूवी देखा हूं आज, सुबह यहां से जाने के बाद नाश्ता कर लिया, डटके खिलाया था नाक तक, तो सांस लेना मुश्किल थी, तो वहां जाकर के YouTube पर मैंने उनकी मूवी देखी और उसमें बड़े बड़े चमत्कार सब कुछ दिखाए हैं। चमत्कार तो है लेकिन उनकी सीख क्या है, क्या उन्होंने सिखाया है? देखो तो उनके सिखाने की जो अंतिम स्थिति है वो कहते हैं जो स्वयं को पहचानेगा वही मुझे पहचान पाएगा। देखो महाराज, हम दुनिया का दर्शन वही करते हैं जो हम अपने आप को पहचानते हैं। जैसे हमने समझो मैंने समझ लिया कि मैं कौन हूं, मैं सन्यासी हूं, शादीशुदा नहीं हूं, ये महत्व की बात है क्योंकि शादीशुदा भी सन्यासी होते, तो मैं शादीशुदा नहीं हूं तो मेरे लिए दुनिया क्या है? इस दुनिया में दो प्रकार के लोग हैं, एक तो वो है कि जो शादीशुदा है, दूसरे वो है जो खुश है। तो दुनिया को हमने दो भागों में बांट दिया। यदि मैं अपने आप को पैसे की उपाधि के साथ जोड़ दूं कि मैं गरीब हूं तो मेरे लिए दुनिया क्या हो गई, जगत क्या हो गया? जगत में दो प्रकार के लोग हैं, गरीब और अमीर, दोनों की उपाधि पैसे की ही है। देखो संतो, तो जिसने अपने स्वरूप को पहचाना है वही साधु संतों को, वही जगत को, वही भगवान को पहचान सकता है। यही आध्यात्मिक साधना है। ये तीन बातें स्पष्ट समझ लेना। एक बार व्हाइट फील्ड में इसी साल प्रारंभ में ही सत्य साई बाबा की ऑर्गेनाइजेशन ने एक महारुद्र यज्ञ विश्व कल्याण के लिए आयोजित किया था और वहां हमको बुलाया लेक्चर देने के लिए और कहा कि स्वामी जी 20 मिनट में बोलना है आपको। ना ठीक है, हमारा तो सब सेट होता है, 20 मिनट खट से बंद हो गया। तो उसमें अब ये हम ये यज्ञ कर रहे काहे के लिए कर रहे हैं? घी जलाने के लिए? क्या प्रयोजन क्या है इसका? कठोपनिषद में आता है यह सेतु ई जाना नाम, यह जो यज्ञ उपासना जो है कर्म, ये सेतु है, ये ब्रिज है किसके बीच में? इधर है प्रकृति और उधर है चैतन्य। जैसे नदी के दो किनारे हैं, उन दो किनारों को जोड़ने के लिए एक ब्रिज होता है, और कोई भी आदमी ब्रिज पर थोड़ी मकान बनाता है, या तो इधर जाओ या तो उधर जाओ। इसी प्रकार से जब हम इस भौतिक जगत में रहते हैं तो फिर हमारा प्रवेश होता है उपासना के द्वारा, भगवान की साधु संतों की उपासना करते हैं, तो उपासना करने का प्रयोजन उसी ब्रिज पर रहना नहीं है, वहां से आगे चले जाना है। इसीलिए यहां हमको बताएंगे कर्माणि चित्त शुद्ध्यर्थम ऐकाग्र्यार्थम उपासनम मोक्षार्थम ब्रह्म विज्ञानम इति वेदांत डिंडिमा। तो जो हमको करना है या नहीं करना है उसका प्रयोजन यदि स्पष्ट हो जाए तब जाकर के हम आध्यात्मिक जीवन जी रहे हैं, अन्यथा कर्म में फंसे रहेंगे या उपासना में फंसे रहेंगे। देखो उपासना यह मार्ग है, भक्ति यह उसका फल है। जिसके हृदय में भक्ति प्रकट होती है उसने उपासना पूरी करी है, नहीं तो जिंदगी भर उपासना करते रहेंगे और सबको डांटते रहेंगे। आप देखेंगे उपासना करने वालों में ना तो हृदय में आत्मविश्वास है ना भगवान पर विश्वास है, घंटी बजाने में ही लगे रहते हैं। देखो संतो, अपने आप को उससे बचाना है। तो सुखम ब्रह्म जगत दुखम इति वेदांत डिंडिमः। आगे चलते हैं, समष्टि व्यष्टि रूपौद्भव पदार्थौ सर्वसम्मतौ समष्टि ईश्वरो व्यष्टि जीवो वेदांत डिंडिमः। समष्टि व्यष्टि, समष्टि हो गया कारण और व्यष्टि हो गया कार्य, यह संपूर्ण जगत कार्य कारण में बटा हुआ है। और कहते हैं समष्टि ईश्वरः, समष्टि माने कारण ईश्वर है और कार्य जीव है। अब इसको बाहर मत ढूंढो, ईश्वर कहाँ है, जीव कहाँ है, अपने में ढूंढो। देखो गहरी नींद में हम सब एक होते हैं,
पहले पहले जब इंडिया में अपने एसी ट्रेन्स एसी कार्स इत्यादि नहीं थी तो हम ट्रेन से जाते थे थ्री टायर में बैठ करके, और भारतवर्ष का सौंदर्य, इसको डांट उसको डांट, गुस्सा कर, तुमने टिकट खरीदा है क्या, झगड़ा चलता था। गर्मी के दिन सब परेशान और भीड़ बहुत, और फिर उसमें गाड़ी एकदम समोहम सर्वभूतेषु नमे द्वेषोऽस्ति न प्रियः, गाड़ी अपने चल पड़ती है, फिर उसमें गर्मी है, लल्ला भी हो रही है, फिर डब्बे खुलते हैं और खाना पेट के अंदर जाता है, धीरे धीरे नींद आने लग जाती है, और सभी के सभी उस चलती गाड़ी में अब सो रहे हैं। सोने के बाद हमारी टांगे किसी की गोद में है, कोई आपत्ति नहीं, किसी का हाथ हमारे जेब में है, कोई आपत्ति नहीं, वहां सब भेद समाप्त तो हो गए। देखो सत्तो, कारण वो होता है जिसमें कोई भेद नहीं है। तो जो सुषुप्ति अवस्था है वो ईश्वर की अवस्था है, और व्यष्टि जब जहां हमने जागृत अवस्था के साथ तादात्म्य कर लिया, देह के साथ एक हो गए, फिर हम अलग अलग हो गए। इसीलिए अब ईश्वर को अपने हृदय में ढूंढना है, तब हम वेदांत की साधना कर रहे हैं। एक बार एक बालक ने मुझे प्रश्न पूछा था, स्वामी जी आप कहते हैं भगवान हमारे हृदय में है, हम भी तो अपने हृदय में है, बाहर थोड़ी है। बिल्कुल ठीक बात है। तो बोले कैसे पता चलेगा कि भगवान हमारे द्वारा प्रकट हो रहे है या हम प्रकट हो रहे है। फिर मैंने उसको कहा क्या तुम कहना क्या चाहते हो। बोले समझो मैंने आपको एक कसके लगाई, फिर और फिर मैंने कहा मैंने नहीं मारा भगवान ने मारा। मैंने इसको कहा कहीं तुम दुर्योधन की तो संतान नहीं हो। दुर्योधन ने ये कहा था जानामि धर्मम नचमे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम नचमे निवृत्ति, केनापि देवेन हृदि स्थितेन यथा नियुक्तोऽस्मि तथा करोमि। मैं जानता हूं कि ठीक क्या है लेकिन ठीक करने में मेरी प्रवृत्ति नहीं होती, और मैं ये जानता हूं कि गलत क्या है लेकिन गलत कार्य में ही मैं लग जाता हूं। मुझे लगता है मेरे हृदय में कोई देव बैठा है, वो मेरे से गलत काम करवाता है। देखो अब अपने ही हृदय में यदि भगवान है और हम भी अपने हृदय में है तो कैसे पता चले भगवान प्रकट हो रहे हैं हमारे माध्यम से। तो उसने जब प्रश्न पूछा, हमने कहा यार तुमने तो जबरदस्त प्रश्न पूछा है, ऐसा प्रश्न कोई भी आदमी आज तक हमको नहीं पूछा। यू डिजर्व अ गिफ्ट फॉर दिस क्वेश्चन। तो मैंने उसको एक बढ़िया चॉकलेट दे दिया, मेरे जेब में था, दे दिया। तो उसने देखा बड़ा खुश हो गया और उसने अपने जेब में रख लिया। हमने खा ले यार, बोले मैं नहीं खाऊंगा, ने वापस कर। बोले मैं वापस भी नहीं दूंगा। ऐसा क्यों, क्या करोगे? बोले मैं अपने सिस्टर को दूंगा। सिस्टर को देने से तुमको क्या मिलेगा, तुम खाओ। नहीं ये बताओ फिर क्या मिलेगा तुमको। फिर वो बेचारा कंफ्यूज हो गया, इधर देखने लग गया उधर देखने लग गया, क्या बताऊं क्या बताऊं। फिर बोले हाँ स्वामी जी आपको सिस्टर है क्या? नहीं। फिर आपको समझ में नहीं आएगा। कितनी सुंदर बात है। उसका कहने का तात्पर्य क्या था, मैं खाने से मुझे जितना आनंद खुशी मिलेगी उससे ज्यादा खुशी जब मैं अपने सिस्टर को दूंगा, वो खाएगी वो खुश होगी, उसके खुशी में मेरी खुशी 10 गुना बढ़ जाएगी। अब यही सिद्धांत जीवन में लगा लो, जब हमको कुछ प्राप्त होने से खुशी होती है तब हम जीव है, जब कुछ देने से खुशी होती है तब ईश्वर है। तो क्या करें, सबको दुख दो? देखो महाराज ईश्वर किसी को दुख नहीं देता क्योंकि वो आनंद स्वरूप है। जो व्यक्ति खुश होता है कभी किसी को दुख नहीं दे सकता, जो दुखी होता है किसी अन्य को सुखी नहीं दे सकता। देखो इसीलिए समष्टि ईश्वरो व्यष्टि जीवो वेदांत डिंडिमः। अब यह जो ईश्वर और जीव है इनको बाहर मत देखना। हम आपको इस प्रकार से बताने का प्रयत्न कर रहे कि अनेक प्रकार के विचार इसके अंदर छिपे हुए हैं। शास्त्र की दृष्टि से देखें तो ऐसा होगा, एक ही परमात्मा तत्व
जब माया के उपाधि को धारण करता है तो मायोपाधि ईश्वरहा, और वही परमात्मा जब पंचकोशों की उपाधि को धारण करता है तो कोशोपाधि जीवहा। तो एक ही परमात्मा ने दो उपाधियां धारण कर ली, इसीलिए एक ही परमात्मा को दो नामों से पुकारा जाता है। जैसे एक ही पानी ने समुद्र की उपाधि को धारण किया तो उसको समुद्र किया कहा, तो समुद्र हो गया समष्टि। और वही पानी जब एक लहर की उपाधि को धारण करता है तो वो हो गया व्यष्टि। लेकिन एक ही पानी पर समष्टि और व्यष्टि ये दोनों अध्यारोपित किए गए हैं। तो जब हम समुद्र को देखते हैं तो पानी को ही देख रहे हैं, लहरों को देखते हैं तो पानी को ही देखते हैं, लेकिन हमारा ध्यान होता है समुद्र और लहरों के तरफ, फिर हम कहेंगे समुद्र कारण है और लहरें कार्य है, दोनों जगह में हमने पानी को मिस किया है। देखो संतो, इसीलिए समष्टि व्यष्टि रूपोद्भव पदार्थो सर्वसम्मतो सभी सिद्धांतों में कहते हैं ईश्वर और जीव, और समष्टि जो है वो ईश्वर है, व्यष्टि जीव है, इन दोनों का जो आधार है उसको हमको पहचानना है। तत्वमसि वहां वाक्य में इसी का विशेष से उपदेश होता है। ज्ञानम कर्म पदार्थौ द्वौ वस्तु कर्तात्म तंत्रको ज्ञानान मोक्षो न कर्म अभ्या इति वेदांत डिंडिमः। दो पदार्थ है, दो शब्द है, एक है ज्ञान दूसरा है कर्म। तो ज्ञान क्या है, वस्तु तंत्र है, और कर्म क्या है, कर्ता तंत्र है। तो वस्तु तंत्र कर्ता तंत्र किसको कहते हैं, समझो आपको पूजा करनी है भगवान के लिए, कुछ ऑफर करना है, तो आपकी चॉइस से आप पूजा कर सकते हो। नैवेद्यार्थम अक्षदाम समर्पयामी, वस्त्रार्थम अक्षदाम समर्पयामी, अरे यार वस्त्र के लिए कोई चावल पहनता है क्या? तो ये करने वाले की मर्जी है। देखो शर्करा खंड खाद्यानि, वहां मूंगफली का दाना है, शर्करा खंड खाद्यानि समर्पयामी। तो जितने भी कर्म है वो कर्ता के मर्जी के अनुसार चलते हैं, लेकिन जो ज्ञान है वो वस्तु के अनुसार होता है। जैसे कहा ये नारियल है, इसको आप कोई बदल नहीं सकते, नारियल ही रहेगा। देखो संतो, इसीलिए ज्ञानान मोक्षः न कर्मभ्यः, तो हमको मोक्ष लिबरेशन मुक्ति होती है ज्ञान से ही। और ज्ञान क्या है, अपने स्वरूप को पहचानना, अपने स्वरूप को पहचानने के लिए पहली आवश्यकता है कर्म से मोक्ष मिले। देखो ये कर्म कर्म कर्म, इसमें फंसो मत ज्यादा, तो क्या निकम्मे बन जाए। ईशावास्य उपनिषद के पहले दो मंत्रों में आता है, पहले तो उपनिषद दृष्टि प्रदान करता है, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत, यह संपूर्ण जगत विश्व परमात्मा से व्याप्त है। फिर तेन त्यक्तेन भुंजी था, अब ये जगत के प्रति जो भोग बुद्धि है उसका त्याग करके आत्म संरक्षण करो, आत्मालम पालय था, जगत में भोग में व्याप्त होकर के अपनी बर्बादी मत करना। समझदारी से जो होती है विड्रॉवल उसको वैराग्य कहते हैं, जबरदस्ती से जो होती है उसको डिप्रेशन कहते हैं। देखो और फिर मां हृदय कस्य सिद्धनम, पहले भोग से निवृत्ति हो गई फिर संग्रह से निवृत्ति करते हैं कि कस्य सिद्धनम, ये दुनिया किसकी है, अपनी थोड़ी है। इस प्रकार से तीन बातें हो गई, जगत को ईश्वर के दृष्टि से देखा तो भोग की वासना खत्म और संग्रह की वासना खत्म हो जाएगी। भोग भी नहीं करना संग्रह भी नहीं करना तो आदमी तो निकम्मा बन जाएगा ना। बोले नहीं, कुर्वन नेवेह कर्माणि जिजी विशेषतकम समा। इस मंत्र का अर्थ आप देखोगे नॉर्मल पुस्तकों में तो आपको ऐसा मिलेगा, अपने कर्तव्य कर्म करते हुए 100 साल जीने की इच्छा रखो। हमको ये ट्रांसलेशन मजा नहीं आता, वहां क्या कहती है उपनिषद, कुर्वन नेवेह कर्माणि जिजी विशेषतकम समा का अर्थ है अपने जीवन का हरेक क्षण 100% जियो। देखो कोई भी कार्य हाफ हार्टेडली मत करना,
मत करो, करना है तो पूरे लगन से करो, देखो कितना आनंद आता है। हमको कर्म में आनंद इसलिए नहीं आता क्योंकि वी आर नॉट एक्सप्रेसिंग जॉय हैप्पीनेस थ्रू एक्शन। हमारे कर्म करने का तात्पर्य कर्म के माध्यम से आनंद की उपलब्धि होवे, ये गलत है। कर्म हमारे हृदयस्थ आनंद को प्रकट करने का एक माध्यम बन जाए। देखो कितना फर्क पड़ता है जीवन में, ये न समझने के कारण। तो ज्ञानात् मोक्षः न कर्मभ्यः, फिर हम चाहते हैं कि मैं ऐसा करूंगा तो ये मिलना चाहिए, तो आप कर्म और कर्मफल इसके चक्र में व्यूह में फंस गए। फिर कर्म से कर्मफल, कर्मफल से कर्म, ये चलता रहेगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इससे आपको मोक्ष नहीं मिल सकता। इसीलिए संतो अपने इस स्वरूप को जो आनंद स्वरूप है, इस आनंद स्वरूप को प्रकट होने दो। जिस कर्म से आनंद प्रकट होते हैं वह कर्म योगी का कर्म है। जिस भक्ति से भगवान का आनंद प्रकट होता है, जिस उपासना से भगवान का आनंद प्रकट होता है वो भक्ति है। देखो जिस सेल्फ डिसिप्लिन में आनंद प्रकट होता है, सुबह हम उठते हैं सेल्फ डिसिप्लिन से तो खुश रहोगे, सुबह उठ के स्कूल में जाना है, पता नहीं ये स्कूल इतने जल्दी क्यों रखते हैं, और फिर उठ के गए कितने, इसीलिए आपने देखा होगा, पता नहीं यहाँ पाश्चात्य देशों में लोग बच्चों को रात को सुला कर धुला करके सुलाते हैं, फिर सुबह उठने के बाद सीधे कपड़े पहन करके जूते पहन करके बस में भरते हैं, और वो बच्चा वैसे ही शांभवी मुद्रा में स्कूल में जाता है। ये कोई जीवन जीने की पद्धति है। इसलिए ज्ञानान मोक्षः न कर्मभ्यः, कर्म अपने हृदय के आनंद को प्रकट करने के लिए होगा तो वो साधना है। भगवान कहते हैं योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धे, कर्म का प्रयोजन अंतकरण की शुद्धि हो। अंतकरण की अशुद्धि है राग द्वेष। जो कर्म राग द्वेष से प्रेरित होकर के किया जाता है वो कर्म बंधन का कारण है, और जिस कर्म के माध्यम से अंतकरण शुद्ध होता है, राग द्वेष के परे जाते हैं, वही कर्म अंतकरण को ज्ञान में लगाने का कार्य बन जाता है, कारण बन जाता है। इसीलिए ज्ञानान मोक्षो न कर्मभ्या इति वेदांत दिन्दिमः। तो कर्म का त्याग करना है माने क्या, ध्यान से सुनना। पहली बात, कर्म का त्याग करना माने पहले कर्म क्या है समझ लो। देखो हम कहते तो है कर्म का त्याग करो, कर्म किसको कहते हैं? कर्म कहते हैं क्रिया के साथ जब कर्तृत्वाभिमान जुड़ जाता है तब कर्म का जन्म होता है। देखो ये लीगल डीड्स होते हैं ना, सब कुछ लिखा है, केवल लिखने से इट इज नॉट ए लीगल डीड। When it is authenticated by the notary and a person concerned, then it becomes a valid deed. इसी प्रकार से जिस क्रिया के साथ जब कर्तृत्वाभिमान जुड़ जाता है तब उसको कर्म कहते हैं। अब अपने जीवन के उदाहरणों में देखो, एक बार हम कहीं खाने के लिए गए थे और से माताएं हमको देखती है कैसे मैं खाता हूँ, फिर गिनती भी है, स्वामी जी आजकल आप कम खा रहे हैं, माने पहले बहुत खाते थे। देखो यही खिलाएंगे फिर गिनेंगे भी, पिछले बार तो आपने 6 चपाती खाए थे, इस समय आपने 5 ही खाई, एक क्यों खाई कम। तो ये खड़ी थी और मैं खाना खा रहा था, मैंने चपाती ली और उसका दोना बनाया और दाल में दाल ढूंढ रहा था, नहीं मिली, फिर सब्जी सब्जी मिला करके उसका एक कोर बनाया और खाने के लिए अपने मुख के पास ले गया, लेकिन मेरा ध्यान उसकी तरफ नहीं था, उन माताओं के चेहरे की तरफ था। उसमें से एक माता का मुंह ज्यादा ही खुला था, तादाद में। तो मैंने कहा मुझे नजर लगने वाली है, अम्मा इधर आओ, तो वो आ गई है। हमने कहा देखो मैं खाना खाने के पहले भगवान को अर्पण करता हूं, आज मेरे लिए भगवान कृष्ण आपके रूप में आए हैं, पहले आपको खिलाता हूं। मैंने खिला दिया,
प्रेम भी कुछ नहीं है, रिस्क फैक्टर है। उसको ठीक रहेगा तो फिर मुझे ठीक है। अच्छा, उसके पश्चात खाना खोना हो गया, फिर बैठा था, आके रोने, स्वामी जी अब क्या हो गया, बहुत गड़बड़ हो गया। क्या हो क्या गया? स्वामी जी आज की एकादशी और आपने मुझे चावल सब्जी दाल सब खिलाया, अब क्या होगा? हमने कुछ नहीं होगा, डायरेक्टली किंग फिशर नॉन स्टॉप हेल। नहीं 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 स्वामी जी क्या होगा, अब ध्यान से सुनो, मैंने खाना खाया इसलिए पाप पुण्य वो कर्म है। खाना पेट में जाने के बाद यदि डाइजेशन नहीं हुआ तो पाप है, डाइजेशन हो गया तो पुण्य है, और डाइजेशन नहीं हो गया तो उसके बाद डिसेंट्री हो गई तो महापाप है, कॉन्स्टिपेशन हो गया तो छोटा पाप है। देखो महाराज, खाना खाता हूं वहां कर्तृत्वाभिमान है, लेकिन खाना पचाता हूं वहां कर्तृत्वाभिमान नहीं है। देखो संतो, कर्म का त्याग करने का तात्पर्य है यह जो कर्तृत्वाभिमान का वायरस है उसको निकाल डाले, तब जाकर के अंतकरण शुद्ध होता है। फिर कर्म नहीं त्यागना, कर्म में जो कर्तृत्वाभिमान है उसका त्याग कर देना है। देखो तृतीय अध्याय में भगवान कहते हैं, न बुद्धि भेदम जनेत अज्ञानाम कर्म संगीनाम जोशेत सर्वकर्माणि विद्वान युक्त समाचरण। जो अज्ञानी लोग कर्म में लगे हैं उनके दिमाग में भेद मत डालो, फिर उनके साथ लग जाओ और लग करके उनको दिखा दो कि जीवन में बिना कर्तृत्वाभिमान के भी अच्छे कर्म हो सकते हैं, डेमोन्स्ट्रेट करो। देखो एक लड़के ने मुझे पूछा था, कलकत्ते की बात है, बोले इंडिया का प्रोग्रेस नहीं होने का कारण आपकी गीता है। मैंने एज इफ एवरीबडी स्टडिंग गीता। बोले आप लोग कहते हो कि कर्म करो, कर्म के फल की इच्छा मत करो। हमने कहा देखो महात्मा जी, आपको समझ में आया ठीक से तो आप ये प्रश्न नहीं पूछोगे। कर्म करो, कर्म फल की इच्छा मत करो, इसका तात्पर्य क्या है? यदि आपके कर्म के साथ कुछ अपेक्षा जुड़ी हुई है, मैंने ये किया तो ये मिलना चाहिए, ये अपेक्षा पूरी नहीं होना यही दुख है और यही दुख कर्म का फल है। लेकिन आपने कर्म केवल आनंद को प्रकट करने के लिए किया है तो आपके जीवन में दुख कभी आ ही नहीं सकता। एक सिंपल सिद्धांत आपको बताए, जो अब सुखी है, जो अब आनंद में है, वो कभी भी दुखी नहीं हो सकता, क्योंकि हम हमेशा अब जीते हैं, तब नहीं जीते। हमको भूत में जीने का फ्रीडम नहीं है और भविष्य में जीने का भी फ्रीडम नहीं है। वी हैव टू लिव ओनली इन द प्रेजेंट। तो क्या साधना है? अपने आप को बताना, आज के दिन मैं मस्त रहूंगा, बस इतनी साधना करनी है। कहीं गुस्सा आ गया? नहीं, आज के दिन गुस्सा नहीं करना, रोज रिपीट हो जाएगा। कितनी सहज साधना है। तो इसके लिए क्या सुनना है? श्रोतव्या श्राव्य रूप द्वौ पदार्थो सुख दुख दौ श्रोतव्यम ब्रह्म नैवान्यत इति वेदांत डिंडिमः। श्रोतव्य और अश्राव्य, सुनना नहीं सुनना, ये दो पदार्थ है। उसमें जो सुनने वाली चीज है वो सुख देती है तो उसको सुनो, और जो दूसरी चीज है जिसको सुनना नहीं चाहिए उसको सुनने से व्यक्ति को दुख मिलता है। तो कौन सी चीजें है? श्रोतव्यम ब्रह्म, देखो सुनने जैसी कोई चीज है दुनिया में तो यह परमात्मा के बारे में सुनने जैसी चीज है। देखो इसीलिए नित्य निरंतर शास्त्रों का अध्ययन जीवन का एक अभिन्न अंग बनना आवश्यक है। ज्ञान की साधना में बताते हैं, तत्कथनम तत्चिंतनम अन्योन्यम तत्प्रबोधनम एतद् एक परत्वम च ब्रह्माभ्यास विदुर्बुधा। उसी के बारे में चिंतन, उसी के बारे में बोलना और उसी में लगे रहना, इसको कहते हैं आध्यात्मिक साधना। हमारे लिए 10 मिनट मेडिटेशन फिर होल डे फ्रस्ट्रेशन। फ्रस्ट्रेशन किस लिए? सुबह जब मैं मेडिटेशन कर रहा था तो बच्चों ने बहुत गड़बड़ करी थी, मेडिटेशन हुआ ही नहीं, तो उस समय भी दुखी, दिन भर दुखी।
ये कोई अध्यात्म नहीं है महाराज, सबसे बड़ी साधना है मस्त रहो, बी हैप्पी। तो श्रोतव्यम ब्रह्म न अन्यत, और बाकी किसी की चीज के बारे में सुनना बंद कर दो, ये बहुत महत्व की बात है महाराज। समझो आप नदी के किनारे जा रहे हो और आपका जो काम है वो इसी किनारे पर है, लेकिन जाते जाते देखा कि उस नदी पर एक ब्रिज है, पुल है। अब चूंकि आपने ब्रिज देखा है तो क्रॉस करने की आवश्यकता है क्या? नहीं, लेकिन ब्रिज बना है, अरे रहने तो आपको क्या करना है? देखो कितनी सिंपल बात है, खामो खाम पता नहीं ये पॉलिटिक्स में क्या होगा, तुम कुछ कर सकते हो क्या? कुछ नहीं, चुप बैठो। डोंट वेस्ट योर टाइम इन अनवांटेड डिस्कशंस। देखो इसमें बड़ी शक्ति नष्ट होती है, 8 घंटे काम करने में जितनी शक्ति लगती है उतनी शक्ति 1 घंटा बोलने में लगती है, 8 घंटे बोलने में जितनी शक्ति लगती है उतनी शक्ति 15 मिनट चिंतन करने में लगती है। फिजिकल काम 8 घंटे कर लो आप आराम से, लेकिन तत्व चिंतन करो तो ना आप बहुत हो गया, आप जरा चाय पी के आते, थक गए। देखो संतो, जैसे केरोसिन कितना स्थूल होता है और एवियन पेट्रोल बड़ा सूक्ष्म होता है, इसी प्रकार से अन्य चीजों के पीछे अपने शक्ति को नष्ट करना ये गलत बात है। इसीलिए श्रोतव्य अश्राव्य रूप दो पदार्थ सुख दुख दो, और ऐसे उसके बाद क्या होता है, बड़े दुखी हो जाते हैं। अब कल परसों मुझे किसी ने बताया, स्वामी जी वो जो ISI का जो वीडियो देखा मैंने, हमने कहा भाई तुमने देखा तुम दुखी रहो, मुझे मत दुखी करो, लेकिन मैं आपको बताना चाहता, तुम भले बताना चाहो, मैं सुनना नहीं चाहता। अपने मन की शांति जिसके कारण विक्षेपित होते हैं वो मत करो, बिल्कुल सिंपल साधना है। देखो ये जो आपका अनुभव है ना, ये ब्रह्मानंद का ट्रेलर है। इस अनुभूति में ना आपके ज्ञानेंद्रिय काम कर रहे हैं, ना आपका देह काम कर रहा है, ना आपका मन काम कर रहा है, ना आपकी बुद्धि काम कर रही है, और ना इस आनंद को अनुभव करने वाला पैदा हो रहा है। इति वेदांत डिंडिमः। जिन विचारों से हम अपने ही विचारों में उलझ जाते हैं वो दुर्विचार है, और जिन विचारों से हम अपने विचारों से सुलझ जाते हैं वो आत्मचिंतन है। कितने बार हम लोग अपने ही विचारों में उलझ जाते हैं, उसी को कहते हैं वरी, उसी को कहते हैं चिंता। और चिंता क्या है? चिंता चिता समाख्याता, चिंता और चिता ये जुड़वी बहने हैं। जो चिता है मुर्दे को जलाती है, जो चिंता है जिंदे को जलाती है। देखो महाराज, और इसका कारण क्या है? अनावश्यक बातें सुनते हैं। ध्यान से सुनना, हम लोग कितना ध्यान रखते हैं खाने के लिए क्या खाना चाहिए। एक ने मुझे पूछा, स्वामी जी डू यू टेक ऑर्गेनिक फूड? आई सेड इज देयर एनी इनऑर्गेनिक फूड? कितना चक्कर रहता है, दिस इज होम ग्रोन। एक ने मुझे बताया, स्वामी जी ये हमारे घर में लगे हुए केले हैं। हमने कहा यार तुम्हारे घर में केले लगते? नहीं नहीं नहीं, हमारे घर के आंगन में एक केले का पेड़ है उसमें लगे हैं। तो क्या खास बात है, पेड़ कहीं भी हो केले वैसे ही लगेंगे, हमारे घर का आम है। देखो संतो,
बहुत सिंपल बातें, कठिन नहीं है, इसमें हमको फंसना नहीं है। इसीलिए हम खाने के बारे में इतना विचार करते हैं, क्या खाना क्या नहीं खाना, ये खाने से शुगर बढ़ती है, ये खाने से ब्लड प्रेशर बढ़ता है, नमक मत खाओ। और जिस मन के द्वारा हम जीवन जीते हैं, उस मन को क्या हम खुराक दे रहे हैं, इधर कभी ध्यान दिया है? देखो, रात को सोते समय भयानक भयानक पिक्चर देखेंगे, चलती गाड़ी में लटकती लाश, और वो क्या कहते नॉवेल पढ़ करके या पिक्चर देख करके फिर सो गए, रात भर लटक रहे कि लाश मेरी तो नहीं थी। और फिर सुबह जब उठे तो शाम वही मुद्रा में, पता नहीं आज मुझे बड़ा डल लग रहा है, रात को क्या खाया था मन ने। देखो संतो, यदि आप एक सिंपल बात पकड़ लो जो हम लोगों ने बचपन में सीखी है, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज इज द वे टू बी हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, माने क्या, सुबह जल्दी उठना है तो रात को जल्दी सोना पड़ेगा, रात को जल्दी सोना शुरू कर दो तो अनावश्यक टीवी के पिक्चर इत्यादि देखने की संभावना नहीं है। देखो महाराज, नहीं तो वहां जो देखते हैं टीवी के यूजलेस प्रकार के जो सीरियल्स है, हमको इनमें बड़ा मजा आता है। किसी के घर आप चले जाओ, उनका जो फेवरेट सीरियल होता है उस समय आप पहुंच जाओ, पहुंचने के बाद आ गए आप, हाँ बैठी बैठी स्वामी जी आप क्या लेंगे, उनको ऐसे लगता है कि ये कहां से टपका, जाता क्यों नहीं, नहीं अच्छा नहीं मैं चले जाता हूं, इसी बात ठीक है फिर आ जाना फिर। उसको इतना सत्य मानते हैं, पूरा जीवन उसी में चला गया। देखो एक बार हम हुबड़ी गए थे, वहां गुजराती और सिंधी इनकी एक एसोसिएशन है, उन्होंने हमको बुलाया, बोले आप हमारे लिए स्पेशल लेक्चर दो। हम गए वहां तो जो हमको स्टेज पर ले जा रहे थे, उन्होंने कहा स्वामी जी ये टीवी के कारण लोग बिगड़ रहे हैं, बच्चे लोग, जरा इसके बारे में कुछ बता देना। हमने कहा आप ही बता दो। बोले नहीं हमारी बात कोई मानता नहीं, आप बताओ। ठीक है, हमने कहा मुझे आज्ञा हुई है टीवी के ऊपर प्रवचन करने की, तो पहली बात बताता हूं ये टीवी के कारण हमारे देश के सभी बुढ़ाऊ लोग बिगड़ गए। तो आदमी खड़ा हो गया, स्वामी जी आप गलत बोले, मैं ठीक बोल रहा हूं, जितने बुढ़ाऊ लोग चिपक जाते हैं टीवी को उतने जवान लोग नहीं चिपकते, उनकी वो लगी रहती है जैसे रैली रेस होती है ना, एक के बाद 24 नॉन स्टॉप चल रहा है। देखो ट्राई करो कितना समय नष्ट करते हैं हम लोग उसमें और निकलता कुछ नहीं। इसीलिए क्या सुनना है क्या नहीं सुनना है ये विवेक जीवन में उतारना आवश्यक है। चिंत्या चिंत्य पदार्थ द्वौ श्रांति विश्रांति क्षांतिदायक चिंत्यम ब्रह्म परम नान्यत इति वेदांत डिंडिमः। तो क्या सुनना बताया है, अब किसका चिंतन करना है। चिंत्य अचिंत्य दो प्रकार के पदार्थ शब्द है, एक है विश्रांति और दूसरा है श्रांतिदायक। यदि आपने चिंत्यम ब्रह्म परमात्मा का चिंतन शुरू कर दिया तो आपको शांति मिलेगी। ध्यान से सुनना, परमात्मा का चिंतन करने का तात्पर्य है, अभी का अभी शुरू करते हैं, ध्यान से सुनना। शब्द का ग्रहण श्रवण शक्ति से होता है, लेकिन हम सबको शब्द का भी ग्रहण होता है और शब्द के अभाव का भी ग्रहण होता है। हमारी श्रवण शक्ति शब्द के अभाव को ग्रहण नहीं कर सकती। तो जब तक हम शब्द को महत्व देंगे तब तक के दुनिया में भटकते रहेंगे। जब आपने शब्द को महत्व देना बंद कर दिया और दो शब्दों के बीच में जो शब्द का अभाव है वहां आपने अपने आप को ले आए, तो आपने शब्द और शब्द को ग्रहण करने वाला जो ज्ञानेंद्रिय है श्रवण शक्ति इन दोनों का त्याग कर दिया है।
फिर आप आ गए मन में। यदि आपने शांति को ज्यादा ही महत्व दिया तो छोटा सा भी शब्द आपको विक्षेपित करेगा। तो पहले शब्द के परे जाना है, शांति में आना है, फिर शब्द और शांति दोनों के परे जाना है। देखो संतो, और यदि कोई व्यक्ति शांति में फंसा है तो उसके थोड़ी भी इधर उधर की खटखट हो गई तो डिस्टर्ब हो जाएगा। देखो समझो, कोई आ जाता है बीच में तो आने तो अपने को क्या फर्क पड़ता है, लेकिन हम देखें कौन आया, बड़ा महत्व की बात है। तब तक के बीच में का विचार निकल गया। ये प्रक्रिया है। इसीलिए चिंत्य अचिंत्य पदार्थोद्भव, दुनिया का क्या चिंतन करना है, ये तो ऐसी ही रही है। तो शब्द का त्याग कर दिया, शांति में आ गए। ये शांति में फंसना नहीं है, मैक्सिमम साधक शांति में फंस जाते हैं। आप कितने भी आश्रमों में चले जाओ वहां लिखा होता है शांतता राखा कोर्ट चालू है, कीप साइलेंस, और वो शांति के चक्र में ऐसे फंस जाते हैं, वही अशांति निर्माण करती है। कितने बार कहा ना शांति रखो, देखो इन लोगों के मेडिटेशन भी घंटी छाप होते हैं। हम कई जगह जाते हैं, एक बार किसी यूरोपियन देश में गए थे, वहां इंटरनेशनल योगा कॉन्फ्रेंस थी, और वहां के जो जगत गुरु थे महाराज, वो हम सबको ले गए एक स्थान पर, ये बड़ा पवित्र स्थान है, यहां हम लोग मेडिटेशन करेंगे। दोपहर 12 बजे की धूप, गर्मी से मर रहे लोग, और जमीन पर कुछ नहीं, ऐसे ही जंगल जैसा था। बोले यहां बैठो, मैं घंटी बजाऊंगा, मेडिटेशन शुरू करो, फिर दूसरी घंटी बजाऊंगा, मेडिटेशन बंद करो। तो सब लोग बेचारे बैठ गए, मैं एक पेड़ के नीचे पत्थर था वहां खड़ा रह गया, मेरे से नहीं बैठाया था, और मुझे मेडिटेशन तो करना था नहीं, मैं करता भी नहीं कभी, तो मैं देख रहा था क्या हो रहा है। घंटी बजी तो सबने आंखें बंद कर ली, अब क्या मेडिटेशन होगा, दूसरी घंटी कब बजती है, दूसरी घंटी कब बजती है। अरे यार, ये घंटी बजने का कोई मेडिटेशन होता है? देखो अध्यात्म का तात्पर्य सहज जीवन में ना किसी से विक्षेपित होना है, ना शांति से अपना कुछ भला होना है। जो किसी का विरोधी नहीं है वो परमात्मा है। देखो ये जो शांति में फंसे हैं वो शब्द के विरोधी है, जो शब्द में फंसे हैं वो शांति के विरोधी है। एक सज्जन हमको मिलने में आए, बहुत पुरानी बात है, लोनावला में हम थे, हमने कमरा बंद कर लिया था, कुछ काम कर रहे थे कंप्यूटर पर। जब हम काम करते हम भूल जाते दुनिया को, तो आके और स्वामी जी चुप रहो, मैं मेरा काम कर लूं, मैं भूल जाता हूं फिर मैं क्या कर रहा हूं। तो बैठे रहे 10 मिनट तक शांत बैठे रहे, आप बताओ क्या है। स्वामी जी व्हाट ए फ्राइटनिंग साइलेंस। देखो साइलेंस भी फ्राइटनिंग होता है कभी। तो जिनको रेलवे ट्रैक के बगल में सोने की आदत है उनको रात को गड़बड़ नहीं हुई थी, नींद नहीं आती। ये शब्द और शब्द का अभाव, दोनों का जिस पर प्रभाव नहीं पड़ता उसी ने परमात्मा को पहचान लिया है। ये शब्द की एक केवल उदाहरण दिए हमने आपको। इसी प्रकार से कोई भी अनुभूति अच्छी बुरी, इन सब का प्रकाशक हम, किसी से भी प्रभावित नहीं होते। श्री कृष्ण इसलिए चिंत्या चिंत्य पदार्थ दोष विश्रांति क्षांतिदायक चिंत्यम ब्रह्म परम नान्यत इति वेदांत डिंडिमह। सापेक्षता के जगत में आज तक एक भी ऐसी समस्या नहीं है जिसका संपूर्ण समाधान निकला है, कोई भी समस्या नहीं, सापेक्षता ही समस्या है।
देखो संतो, और जो संपूर्ण है एकमेवा द्वितीय है, उसमें एक भी समस्या नहीं हो सकती, क्योंकि द्वितीयात वही भयम भवती। जब तक कि अन्य है तब तक समस्या रहेगी, जहां अन्य गायब हो गया सब समस्या गायब हो गई। तो शब्द का अन्य शांति, शांति का अन्य शब्द, यह जो शांति अशांति है इसके परे चले जाना, उसी को कहते प्रशांति। अब हम गए थे पुट्टवार्थी, वहां लेक्चर में ये बताया कि प्रशांति निलयम किसको कहते। हमारे लेक्चर के बाद कहते कई लोग, अभी जी हमको तो पता ही नहीं, हम यहां 40 साल से रह रहे, प्रशांति निलयम किसको कहते। देखो अशांति से जहां कोई प्रभाव नहीं, शांति की जहां कोई अपेक्षा नहीं है, ऐसे अनुभूति को प्रशांति कहते हैं, और इसमें स्थिर होकर रहता है उसको प्रशांति निलयम कहते हैं। देखो संतो, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं परमात्मा के उपलब्धि के लक्षणों में, मानापमानयोः प्रशांतस्य, मान के द्वारा जो फुदकता नहीं और अपमान के द्वारा जो कभी दुखी नहीं होता, वही प्रशांत है, और उसी को भगवान कहते हैं। यशोदा माता ने भगवान कृष्ण को पकड़ा कि तुम मिट्टी खाते हो, मुझे लगता है तुम पिछले जन्म में सुअर थे क्या। तो भगवान कृष्ण को लगा पता तो नहीं, कहीं मां ने पहचान तो नहीं लिया कि मैंने ही वराह अवतार लिया था। तो तुरंत उसने अपना मुंह खोल दिया, उसमें विश्व रूप का दर्शन हो के मां कंफ्यूज हो गई और ये शांत हो गए। हमको कोई सुअर के तो कितना गुस्सा आता है। देखो जैसे महाराष्ट्र के लोगों को मूर्ख कहो तो बहुत गुस्सा आता है, यहां की हर चीज महा होती है। मूर्ख कहते हो, नहीं मैं महाराष्ट्र का हूं, महामूर्ख हूं, अभी ठीक है। देखो संतो, किसी की तारीफ से और किसी के गाली से कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये बहुत सिंपल बात है। एक जगह की बात बताया आपको, एक हमारे बड़े महात्मा थे जिनका हमारे जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव है, हिंदी बोलते थे। एक जगह ऐसा बड़ा कोई आयोजन था, एक महात्मा ने उनके बारे में अच्छा बुरा कहा। ये शांत बैठे रहे, सत्संग होने के पश्चात उन्होंने अपना सत्संग किया, उसमें एक भी शब्द उनके बारे में नहीं बताया। सब खत्म होने के बाद उनके जो शिष्य थे उन्होंने, महाराज जी आपने उसको सुना क्यों नहीं दिया, वो आपके बारे में बुरा बोल रहा था। उन्हें, देखो बेटा, जो आदमी बुरा बोलता है उसका मुंह कड़वा हो जाता है, वो भले बुरा बोले लेकिन मैं सुनने वाला होना चाहिए ना, मैंने सुना ही नहीं। कितनी सहज बात है, लेकिन हम रिएक्ट कर देते हैं। इसीलिए यहां दो बातें बताते हैं, चिंत्यम ब्रह्म परम नान्यत, चिंतन करना ही है तो ऐसा चिंतन करें कि अच्छा आज भगवान गाली देने वाले के रूप में आ गए, अच्छा भगवान आइए। देखो एक सिंपल सिद्धांत तो ट्राई करो, अपने जीवन में परमात्मा के सिवा अन्य कोई नहीं आता, ये सिंपल सिद्धांत है। कल्पना ही तो करनी है ना, तो ये क्यों कल्पना करें लोग खराब है, ये भी कल्पना ही है। कल्पना ही करनी, अच्छी क्यों ना करें कि हमारे जीवन में केवल परमात्मा आता है, अपने आप मन प्रसन्न रहेगा। ध्येयाध्येय पदार्थो दो धी समाध्य समाधि दो ध्यातव्यम ब्रह्म नैवान्यत इति वेदांत डिंडिमः। अब ध्यान की बात करते हैं, ध्येय क्या है और अध्येय क्या है। ध्येय माने जो ध्यान करने योग्य है, अध्येय माने जो ध्यान करने अयोग्य है। तो किसका ध्यान करना चाहिए, जिसका ध्यान करने से समाधि लगती है उसका ध्यान करना चाहिए, जिसका ध्यान करने से विक्षेप होते हैं उसका ध्यान नहीं करना चाहिए। देखो समझो, आपका पड़ोसी बहुत खड़ूस है और सुबह सुबह उठ करके आप उसके बारे में चिंतन शुरू कर दो, भगवान यही पड़ोसी मिला आपको मेरे बगल में रखने के लिए। सुबह सुबह उठ के उसका मुंह देखते हैं, दिन खराब हो जाता है, शुरू कर दो, जीवन भर आप दुखी रहोगे। देखो इसीलिए किसका ध्यान करना चाहिए, ध्यातव्यम ब्रह्म। तो अपने आप को समझाओ, भगवान ने इस महात्मा को मेरे बगल में रखा है, इसी के द्वारा रोज मुझे आध्यात्मिक परीक्षा में अपीयर होना पड़ता है।
Every experience of our life is spiritual examination. और वो आध्यात्मिक परीक्षा क्या है? उस परीक्षा में हमको हमेशा 100% मार्क मिलने चाहिए, एक भी कम नहीं हो, जिसको कहते सिक्स सिग्मा परफेक्शन, इतना हो, तब जाकर के आध्यात्मिक साधना होती है। इसीलिए ये बड़ा सिंपल सिद्धांत ट्राई करो, अपने जीवन का हर एक अनुभव एक आध्यात्मिक परीक्षा है, और परीक्षा में हम जब जाते हैं तो तैयार होके जाते हैं, तैयार रहना है। जैसे हम गाड़ी चलाने के लिए निकलते हैं घर से बाहर, तो रोज का ड्राइविंग एक ड्राइविंग की टेस्ट है, विशेष करके पुणे में। पता नहीं कौन कहां से घुस जाएगा, कई बार मुझे ऐसे लगता है कि एक हरी मोटरसाइकिल आएगी और कार के नीचे चली जाएगी, पता नहीं कहां से आगे कहां जाती है। देखो महाराज, तो वहां चिल्लाओगे तो जिंदगी भर चिल्लाते रहोगे, तो ये कहना कि चलो यहां ड्राइविंग टेस्ट अच्छी हो रही है। देखो, नहीं तो फिर चिल्लाते हैं। एक अम्मा बंबई में नई नई सीखी ड्राइविंग करना, मुझे कहती स्वामी जी अब आपको जहां भी जाना हो मुझे फोन कर देना, मैं आ जाऊंगी, आपको ले जाऊंगी, अब मैं सीख ली हूं। चलो चल पड़े, शिवाजी पार्क के पास आए और उसने वहां गाड़ी पार्क कर दी। हमने कहा यहाँ नहीं जाना, मुझे मुझे भिंडी बाजार जाना है। बोले स्वामी जी यहाँ इतने बढ़िया पार्किंग का लॉट मिल गया है तो मैं पार्क कर देती हूँ। और वहां कैसे जाएंगे? बोले वहां टैक्सी लेके जाएंगे। अरे अरे महारानी, फिर ये क्यों? बोले नहीं स्वामी जी, मुझे गाड़ी रिवर्स करना नहीं आती। देखो महाराज, जहां आपने ये समझ लिया है, जिसके द्वारा आपके मन में विक्षेप होते हैं, उसका त्याग कर दो। संतो, जीवन में सर्वश्रेष्ठ वस्तु यदि कोई है तो अपने मन की शांति सर्वश्रेष्ठ वस्तु है। जो व्यक्ति अन्य के कारण दुखी होता है वो महाबेवकूफ होता है, अज्ञानी नहीं बेवकूफ होता है। ये आपको हमने बताया था कि मुझे याद नहीं, एक आदमी अपने रिश्तेदार को देखने के लिए पागलखाने पहुंच गया, पुणे का ही होगा, तो वहां पहुंच गया और ये पागलखाना शहर से बाहर था। पागल को मिल लिया और जब बाहर घर आया, अपने बाहर आया पागलखाने से, तो उसके दिमाग में जरा गाड़ी देख लूं, यहां सब पागल लोग कुछ करने बैठे, तो गाड़ी के चारों तरफ से घूम करके चक्के देखे तो अगले चक्के के चारों बोल्ट किसी ने निकाल लिए थे। अरे राम, अच्छा हो गया देख लिया, ना तो एक्सीडेंट हो जाता, लेकिन अब मैं जाऊं कैसे पता नहीं। अब बड़ा परेशान, अपने आप से बोलने लग गया, पता नहीं यार रियली सब पागल है और ये ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। वहां एक पागल खाना खाने के बाद शतपावली कर रहा था। बोले बाबू जी क्या कर रहे हो? बोले देखो ना कैसे लोग भयानक है यहाँ के। बोले हो गया गया, फिर दिखाया, इसमें इसमें रोने की क्या बात है, बाकी तीन चक्के ठीक है ना, उसमें से एक एक बोल्ट निकाल कर उसमें लगा दो, घर तक तो पहुंच ही जाओगे। अरे यार तुम तो जीनियस हो, कौन हो तुम? बोले मैं पागल हूं, देखो मेरा आईडी। बोले तुम कैसे पागल हो सकते हो, तुमने इतना अच्छा बताया। बोले पागल तो मैं हूं, बेवकूफ नहीं हूं। जो बेवकूफ होते हैं वो दुखी होते हैं, याद रखना इस सिद्धांत को। जहां दुखी हो गए बेवकूफ तो नहीं बन गए? देखो संतो, दुखी होने से इनकार करना यही आध्यात्मिक साधना है, यही योग है। भगवान कृष्ण के शब्द मेरे नहीं है, भगवान कृष्ण कहते हैं तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संनितम। जीवन में दुख का संयोग होने के बाद भी जो दुख के साथ वियोग रखता है, माने दुख आने के बाद भी जो दुखी नहीं होता, इस स्थिति को योग कहते हैं। देखो एक्रोबेटिक्स को योग नहीं कहते, भुजंगासन और गर्दभासन और उष्ट्रासन और धनुरासन वो योग नहीं है, वो एक्रोबेटिक्स है, वो सर्कस है, इसमें फंसना मत कभी, इतना ही करना है। यार में दुख आ गए, योग शुरू हो गया, दुखी नहीं होंगे।
आप लोगों ने कितने बार कहा होगा ना, मनाचिस लोग जगी सर्वसुगी असा कोण, अब यही दुखी होकर के कह रहे यार, खुश होके कहो ना। देखो संतो, तो ध्येयम ध्येया ध्येय पदार्थ धी समाध्य समाधि ध्यातव्यम ब्रह्म नैवान्यत इति वेदांत डिंडिमः। उसका चिंतन करो जिसके द्वारा आपका मन समाधि में आराम से चला जाए। देखो आत्मचिंतन का तात्पर्य है अनात्म चिंतन का अभाव। देखो ये सब साधना करने का तात्पर्य हमको अपने मन का ध्यान रखना है, माइंड योर माइंड। देखो हम लोग हर चीज में ध्यान देते हैं, अपने घर का फर्नीचर कैसा हो, उसके बाद वो ड्रेपरी कैसी हो, आपके वो क्रोकरी कैसे हो, डाइनिंग टेबल कैसा हो, हर चीज में ध्यान देते हैं। कभी हमने अपने मन का ध्यान दिया है? शरीर के फिगर की तो फिक्र है, हमेशा आंखों के सामने एक ही चिंतन है, हे भगवान मेरी फिगर ऐसी बन जाए 36 24 36, क्योंकि भगवान ये क्या 56 56 56 एक ड्रम बना दिया है, जाकर के जिम में जाओ और मेहनत करो। उसमें कितना टाइम लगाते हैं, लेकिन हमने अपने मन को ठीक करने के लिए आज तक क्या किया है? कुछ भी नहीं किया। ये मन ही है जिसके द्वारा पूरा जीवन जिया जाता है, शरीर जीवन नहीं जीता, जीवन जीता है मन। देखो खाने के लिए आपको बढ़िया खाना सामने आया, उसी समय कोई बहुत दुर्घटना की बात आपके नजर में आई तो उस खाने का रस निकल गया तुरंत, क्योंकि खाने का रस रसना में नहीं होता, मन में होता है। तो ये जो मन है जहां सब कुछ अनुभूतियां हो रही है, उसी का कभी हमने ध्यान रखा नहीं। अरे मन की फिगर रखो महाराज। इसका मन के ऊपर ध्यान देने के दो तरीके हैं। एक तरीका है अन्य से बोलना बंद कर दो, और बोलने के पहले अपने आप को प्रश्न पूछो, क्या ये बोलना जरूरी है? एक प्रश्न पूछना है, बाकी कुछ नहीं पूछना है। इज इट नेसेसरी टू टॉक? हमारे पड़ोसी की बहू हमारे बहू से अच्छी है, कहना नहीं चाहिए? अरे बाबा फिर कहती क्यों हो? कितने बार हम अनावश्यक कमेंट करते हैं, जिंदगी भर दुखी रहते हैं। एक अम्मा है दिल्ली की पंजाबन, बड़ी अभी तो बूढ़ी है वो, बड़ी सुंदर और लंबी चौड़ी, बड़ी आंखें और चिट्टी चिट्टी माने गोरी गोरी। अब उसका लड़का भी उसी के जैसा स्मार्ट। अब उसने जिस लड़की के साथ प्यार किया वो एकदम घटिया, नाटी, दिखने को भी सुंदर नहीं है, काली। तो उसकी माँ ने कहा भाई तुम करो शादी, मुझे कोई आपत्ति, लेकिन अपने मैचिंग में तो कुछ हो जाए ना, कोई दूसरी नहीं मिली क्या? ये उसने कहा, लड़के ने उसी से शादी करी। अब कुछ भी हो जाता है तो वो जो बहू एक ही शब्द का उत्तर देती है, हम आपके जैसे सुंदर कहाँ है। कुछ भी कहो, हम आपके जैसे सुंदर कहाँ है। यदि वो अम्मा अपने जबान पर लगाम लगाती उस समय, तो जिंदगी भर ये सुनना नहीं पड़ता। देखो महाराज, हमको अन्य पर कमेंट करने का रोग हो गया है, ये अच्छे है ये बुरे है, ये आवश्यक है अनावश्यक है, नोबडी आस्क अस, फिर भी हम बोले जाते हैं। देखो संतो, ये बहुत बड़ी साधना है। जब अन्य के साथ बोलते हैं तो अपने भूतकाल के बारे में बोलते हैं, और दूसरी बात अपने आप से बोलना बंद कर दो। जब हम अपने आप से बोलते हैं तो भविष्य के बारे में बोलते हैं, यहां से जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, आई होप देर इज नो ट्रैफिक जाम। आजकल पुणे में ऐसा हो रहा है, इधर में प्रवचन चल रहा है, यहां ट्रैफिक में फंस गए। देखो तो ये दो बातों का ध्यान रखें। देन वी आर टेकिंग केयर ऑफ द मेंटल हेल्थ। किसी को भी अपने बारे में बताने की जिसको जरूरत नहीं होती, वो किसी के बारे में पूछता भी नहीं।
क्या जरूरत है, कोई भी करे कैसा भी रहे, दो दिन का तमाशा है, निकल जाओ यहां से बस महाराज। लेकिन हमको लगता है ऐसा, हम यहां परमानेंट होके आए हैं, यहां से जाने की सोचो, रहने की नहीं। हमारे जीवन का यही सिद्धांत है, जब हम आपके पुणे में आए हमारी गिनती शुरू हो गई, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 22 तारीख को बूम निकल गए। यही सीक्रेट है, हम जहां भी जाते हैं लोग हमको चाहते हैं, क्योंकि हमारे जाने के पहले ही उनको मालूम है ये कब जा रहे हैं। लेकिन यदि जाकर टिकने हो तो फिर कहेंगे महाराज जी जाने का क्या लेंगे, जाओ यहां से। इस प्रकार से मन को यदि हम केवल वर्तमान में रखें तो आपका मन आपका दुश्मन नहीं रहेगा। यही भगवान कहते आत्मैव आत्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मनः। हमारा मन हमारा दुश्मन इसलिए है कि वो हमको वर्तमान में नहीं रहने देता। ध्यान से सुनो, मन यदि शुद्ध वर्तमान में आ जाए तो मन मर जाता है। मन की खुराक है भूतकाल की स्मृतियां, भविष्यकाल की चिंता और वर्तमान काल की तुलना। ये तीन चीजों का त्याग कर दो, ना अपने भूत को ले आवे, ना भविष्य के वो समस्या जो नहीं है उसको सुलझाने का प्रयत्न करे, और वर्तमान में किसी के साथ कोई कंपैरिजन नहीं करना। ऐसा ही होता है, बस एक क्षण में आपकी समाधि लग गई। देखो कितनी सहज बात है, यदि यहां सब के साथ बैठे हुए दो क्षण के लिए क्यों ना हो, यदि हम अपने स्वरूप में पहुंच सकते हैं तो अपने घर में क्यों नहीं। इन घर में जब ध्यान के लिए बैठेंगे, पूजा के लिए बैठेंगे, तो पति होकर के बैठेंगे। पति होकर के ध्यान करो तो पत्नी हाथ में बेलना लेके खड़ी होगी दुर्गा देवी की जैसी। मां होकर के ध्यान में बैठो तो बच्चा कहेगा मेरा बस्ता कहां गया है। देखो संतो, कुछ बनो मत, रिमेनिंग एज नोबडी इज द स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। अध्यात्म में विशेषता निर्माण नहीं करते, विशेषता को खो देते हैं। हम में कोई विशेषता नहीं है। देखो महात्मा तो सभी बनते हैं, मनुष्य बहुत कम बनते हैं। ये आध्यात्मिक साधना है महाराज। योगिनो भोगिनो वापि त्यागिनो रागिनो पिच ज्ञानान मोक्षो न संदेहः इति वेदांत डिंडिमः। देखो आप चाहे कुछ भी रहे, योगी रहे, भोगी रहे, त्यागी रहे, रागी रहे, यदि आपने इस स्वरूप को पहचाना नहीं तो आपका सबका सब साधना का बोझा केवल आप अपने सर पर ढो रहे हैं। इन सब में मैं का प्राधान्य होता है। जो योगी है योगी का मैं सबसे बड़ा तगड़ा होता है। योगी, त्यागी और तपस्वी, इन तीनों में क्रोध की पराकाष्ठा होती है, क्योंकि उनका पूरा का पूरा जोर है वो प्रकृति पर है, और प्रकृति को वश करने के कारण फिर मैं प्रकृति का वश करने वाला हूं। मैं किसी का भी भला कर सकता हूं, किसी का बुरा कर सकता हूं। देखो एक उदाहरण दो आपको, हम में यदि कोई भी छोटी सी बात हो तो जब तक दूसरों को नहीं दिखाएंगे तब तक के शांति नहीं होती। उदाहरण ले लो, एक बार हम शिमला गए और किसी के यहाँ खाना खाने के, सिंधी थे हमारे मित्र। जाने के बाद अम्मा कहती स्वामी जी 15-20 मिनट बैठना पड़ेगा, मैं तो सत्संग में आई थी, मैं जरा आटा गूंद के गरम गरम रोटी खिलाऊंगी आपको। ठीक है मैं बैठता हूँ, मैं टीवी देखूंगा। तो उनके पति पावन सीताराम कहते नहीं नहीं स्वामी जी टीवी मत देखना। ठीक है नहीं देखेंगे। बोले मैं हारमोनियम ले आता हूँ। हमने कहा देखो भाई मुझे म्यूजिक नहीं आता, मैं सुनना भी नहीं चाहता, सुनाना भी नहीं चाहता, शांति से बैठेंगे। नहीं 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 आपको नहीं, मैं सुनाऊंगा। अरे राम 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 राम।
फिर वो हारमोनियम लेकर के डाइनिंग टेबल पर आए, बोले मैंने अभी अभी सीखा है। अब देखो अभी अभी सीखा है तो जब तक दूसरे को नहीं दिखाएंगे तब तक सीखने का मतलब क्या है? ये छोटी बात, 4-8 दिन संगीत सीख क्या लिया है, दूसरे को बताने की हमको कह आती है, उल्टी आती है, दूसरे को बताना है। और जिनमें सिद्धियां प्रकट हो गई वो चुप बैठेंगे। देखो महाराज, शास्त्र स्पष्ट रूप से कहते हैं, बाहर के जगत की उपलब्धियां, मान सम्मान, यह परिपंथी है, यह आध्यात्म के साधन में चोर है, लुटेरे है। और जो अंदर के चोर लुटेरे हैं उनको कहते हैं सिद्धियां। अपने तुकाराम महाराज की एक कथा आती है ना, उनके पास ये रिद्धि सिद्धि पहुंच गई, बोले हमको भगवान ने भेजा है, मांगो कुछ, बोले हमको कुछ नहीं चाहिए। बोले ये कैसे हो सकता है, हम वापस जाएंगे बिना दिए तो हमको पनिशमेंट मिलेगी। भगवान के भक्त का हृदय एकदम पिघल गया, बोले कोई बात नहीं, मेरे कारण आपको पनिशमेंट ना मिले तो ऐसे करो, अब यहां से जाओ ना, फिर वापस मत आना। देखो जब तक के अपने अंतकरण में ये स्थिति नहीं पहुंचती तब तक के उस अंतकरण में परमात्मा प्रकट नहीं होते। देखो आपकी मां कितना भी आपसे प्यार कर रही हो, कितनी भी आप छोटे हो, वो आपको अवॉइड करेगी। अच्छा बेटा खेलना, खेल खिलौना ले, खेल ले, फिर भी रो रहा है, नहीं अच्छा चॉकलेट ले, चॉकलेट मुझे काम करने दे। लेकिन यदि कोई बच्चा कुछ भी नहीं चाहिए उसको, मम्मी 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 मम्मी, फाइनली गुस्से में क्यों ना उठा गया, ले हाँ, फिर शांत हो गया। इसी प्रकार से ये दुनिया की चीजें जब तक के हमको आकर्षित करते हैं ना, तब तक के प्रभु हमको यहां से दूर ढकेल रहे। दुनिया की एक भी वस्तु, भगवान कहते हैं भगवद गीता में, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान। जब किसी संत ने अपने अंतकरण से सभी कामनाओं को हमेशा के लिए मिटा दिया है, देखो इसका मतलब ये नहीं कि बोर हो गया, आत्मन्येव आत्मना तुष्टः, अपने आप में मस्त है। देखो उसकी प्रज्ञा स्थिर होती है, प्रज्ञा माने उसको ऐसा नहीं, देखो यार कल का मेडिटेशन जमा था आज जम ही नहीं रहा, अरे वो कोई आइसक्रीम है, कभी जमा कभी नहीं जमा। इसका यही कारण है कि हम ये मेडिटेशन का भोग करते हैं, मेडिटेशन के योग में नहीं रहते हैं। देखो इसीलिए चाहे योगी रहे, भोगी रहे, त्यागी रहे या रागी रहे, इन सब में मैं बड़ा तगड़ा होता है, क्योंकि सिद्धियां प्रकट होने लग जाती है। तो ज्ञानान मोक्षः न संदेहः, तो चाहे आप कुछ करो ना करो, अपने आप को पहचानना यही अंतिम आध्यात्मिक साधना है। अब इसके लिए आपके रोज के अनुभव देखो। गहरी नींद किसको कहते हैं? एक, जिसमें अन्य की प्रतीति नहीं होती। दो, जिसमें हम अपने को परिच्छिन्न सीमित नहीं स्वीकार करते। तीसरी बात, जहां कोई इच्छा नहीं होती। चौथी बात, जहां हम आनंद में रहते हैं। चार बातें, यही जब जागृत में आ जाए तो अन्य की प्रतीति नहीं, क्योंकि हमने अन्यों को कोई महत्व ही नहीं देना है। देखो साक्षी भाव के चक्कर में मत पड़ना, रिमेन इंडिफरेंट। यदि मैं कहूं कि मैं आप सबका साक्षी हूं तो मैं आप सबको देख रहा हूं, एंड इफ आई रिमेन इंडिफरेंट, उदासीन अवदासीनम असक्तम तेषु कर्मसु, और यदि मैं उदासीन बन करके रहूं तो आप सुन रहे हो ना सुन रहे, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मुझे तो अपना टाइम पास करना है, रिलैक्स। देखो यह जो उदासीनता है ये बड़ी श्रेष्ठ साधना है, और जितना आदमी जगत से उदासीन हो जाएगा, उदासीन का मतलब है फ्रस्ट्रेटेड नहीं, उत माने ऊपर, आसीन बैठा हुआ, जो ये प्रकृति के विकृति के ऊपर उठ के बैठा है वही परमात्मा है। इसीलिए योगिनो भोगिनो वापी त्यागिनो रागिनो पिच ज्ञानान मोक्षो न संदेह इति वेदांत डिंडिमः। यह जो उपाय है ये उपाय को उपाय ही समझे, ध्यान देना है अपने स्वरूप के तरफ।
न वर्णाश्रम संकेत ही नहीं कर्म न कर्मोपासनादि भी ब्रह्म ज्ञानम बिना मोक्ष इति वेदांत डिंडिमः। चाहे आप ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र रहे इसमें फंस मत जाना। उसी प्रकार से न कर्म उपासनादि भी ही, हमने बड़े अच्छे कर्म किए सत्कर्म किए। ध्यान से सुनना, कर्म का तात्पर्य अंतकरण की शुद्धि, अंतकरण का शुद्धि का तात्पर्य हृदय से राग द्वेष निकाल देना। हृदय से राग द्वेष निकालने के लिए जो कर्म किए जाते हैं उनको कहते हैं कर्तव्य कर्म। हमको अच्छा लगे ना लगे, यदि वो करना है तो करनी है तो करना ही है, छोड़ना नहीं। हमको अच्छा नहीं लगता, किसने पूछा? इट इज ड्यू डू इट, दैट्स इट। धीरे धीरे हम अपने जीवन को प्रेरणा देने वाला काम नहीं रहेगा बल्कि शाम रहेगा। देखो तो अपने आप अंतकरण शुद्ध हो जाएगा। फिर न वर्णाश्रम संकेत ही, किसी प्रकार का अभिमान, अभिमान कहते हैं चारों तरफ से जिसने अपने आप को नाप लिया है। पहले हमने नाप लिया है देश काल वस्तु से, काल से मैं पिछले 40 साल से 16 साल का हूं, काल से नाप लिया। फिर मेरी लंबाई चौड़ाई इतनी है, देश से नाप लिया। मेरा वजन इतना है, वस्तु से नाप लिया। तो जो ये परिच्छिन्नता है इसके परे हमको जाना है। न वर्णाश्रम संकेत ही। देखो संतो, इसमें हमको फंसना नहीं है। तो ब्रह्म ज्ञानम बिना मोक्ष, बिना ब्रह्म ज्ञान के मोक्ष संभव नहीं। तो ब्रह्म ज्ञान क्या है? ब्रह्म ज्ञान यही है पति ये जाने समझे कि वो पहले आदमी है बाद में पति बना है, इतना ही जानना है। उसके बाद फिर उसको देखना है कि हम किसके सामने हैं। देखो समझो, कोई ब्रिगेडियर है, एक हमारे मित्र ब्रिगेडियर है, बहुत पुरानी बात है। हम उनके यहाँ गए, वो शायद ऑफिस से नहीं आए थे, उन्होंने घर में मैसेज दे दिया था कि स्वामी जी आ रहे, ध्यान रखना। तो हम बैठ करके उनके पत्नी के साथ चाय पानी पी रहे थे, ऑर्डरली काम कर रहा था, उतने में वो आ गए। आगे कहते हैं पत्नी को, ठीक से किया गया नहीं स्वामी जी का? तो वो कहती है, यू आर नॉट इन द ऑफिस, यू आर एट होम। हाँ वही बोल रहा हूं मैं, वहां जाकर के दे विल बी रोरिंग लाइक ए लायन। घर में आने के बाद म्याओ म्याओ, ऐसे पति हमेशा सुखी रहते हैं। जस्ट प्ले द रोल, यही सबसे बड़ी साधना है संतो। जो रोल हमको प्ले करना है बढ़िया से बढ़िया प्ले करो, उसके बाद कपड़े उतार के रख दो, उसी को पहन के मत रहना जिंदगी भर। और हमको कितने रोल प्ले करने पड़ते हैं, कभी पति का है, कभी पुत्र का है, कभी पिता का है, कभी भाई का है, कभी ससुर का है, कभी जवाई का है। हर एक रोल प्ले करते रहो और मौज में रहो, कितनी सरल बात है। आपने वो शेखर सेन का प्रोग्राम देखा होगा, वन मैन वन एक्ट प्रोग्राम जो होता है, कबीर या तुलसीदास जी, एक ही व्यक्ति स्टेज में आकर के कितने लोगों के काम करता है, एक आदमी, तो उसको कितना स्टैंडिंग ओवेशन मिलता है, बिकॉज ही कुड प्ले ऑल द रोल्स परफेक्टली। इसी प्रकार से हम सबको इस दुनिया में जो जो रोल करने हैं वो रोल प्ले करो और मौज में रहो। देखो जब आदमी रोल करता है, किसी ने आकर के और स्टेज पर काम चल रहा है, एक्टिंग चल रही है, किसी ने आकर के एक लड़की को कहा कि हनी मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, उस हनी ने भी ले लिया, थैंक यू डार्लिंग, मुझे नहीं लगता था तुम मेरे से प्रेम करते हो, लेकिन मुझे फूल दिया है, फूल बनाया है, तो निश्चित ही प्रेम करते होंगे। पर्दा नीचे गिरा, उसके बाद वो दोनों एक दूसरे से बात करते हैं, नाटक हो गया। ऐसे ही नाटक करो। देखो घर में आए, हनी दिस फ्लावर फॉर यू, फिर उसको फेंक मत देना, कल काम आएगा, रख देना, प्लास्टिक का ले लेना। देखो महाराज जीवन कितना सुंदर चलता है।
आप लोग खामोखाम सीरियस हो जाते हैं, और सबसे ज्यादा सीरियस होते हैं ये उपासना करने वाले, उनको लगता है कि क्या तीर मार रहे हो। देखो, असत्य सर्व संसारो रसा भाषादि दूषिता उपेक्षो ब्रह्म विज्ञेयम इति वेदांत डिंडिमः। तो ये जगत में रहने की प्रक्रिया अब 13वें मंत्र से बताएंगे, उसको हम कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।